समझना पड़ेगा कि वॉट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर टू टाइप्स फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग मीन्स ऐसा डेसिमल जो एक निश्चित डेसिमल नंबर के बाद एक निश्चित नंबर तक डिवाइड हो उसके बाद वो रुक जाए जैसे एग्जाम्पल सेवन पॉइंट टू फाइव एट बस डेसिमल नंबर के बाद एक बार डिवाइड हुआ दो बार होगा ऐसा नंबर के बाद डिवाइड होता चला जैसे वन एट फोर टू फाइव डॉट 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 बढ़ता चला जाए रुके नहीं इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में ही दो टाइप होते हैं एक होता है रिपीटिंग एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग ये दोनों को दोनों किसके टाइप हैं नॉन टर्मेटिंग के ही टाइप हो गए इसको रिकरिंग भी कहते हैं याद रखिएगा रिकरिंग और इसको नॉन रिकरिंग क्लियर है ना नॉन रिकरिंग इसके एग्जांपल्स देख लीजिए रिपीटिंग में एग्जांपल्स मैं यहां लिख जाऊ बगल में ऐसे डेसिमल्स जो डेसिमल नंबर के बाद रिपीट होते जा वन फोर वन फोर वन फोर डॉट 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 ये क्या वन फोर वन फोर वन फोर रिपीट होता जा रहा है और नॉन रिपीटिंग में कैसा है जैसे सेवन फाइव पॉइंट वन टू एट फोर डॉट 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 इसमें कहीं रिपीटेंस नहीं है वन अलग टू अलग एट अलग फोर अलग ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग दोनों ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं लेकिन इसमें रिपीट हो रहा है वन फोर वन फोर वन फोर रिपीट हो रहा है और इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है तो जो नंबर रिपीटिंग होगा ध्यान सुनिएगा जो नंबर रिपीटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा उसको रेशनल नंबर भी कहते हैं मीन्स ऐसा नंबर अगर रेशनल की हम बात करें कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं एक डिफिनेशन तो आपने पढ़ रखा है कि नंबर ऑफ़ द फॉर्म ए बाई ए बाई बी ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स एंड बी इक्वल टू जीरो इज नोन एज रेशनल नंबर दूसरा डिफिनेसन कह सकते हैं अ डेसिमल विच इज़ टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो इस कॉल्ड रेशनल नंबर रेशनल नंबर के लिए क्या कंडीशन हो गई डेसिमल हमारा क्या हो या तो टर्मिनेटिंग हो टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो दोनों में से कोई एक हो दोनों ही केस में हम उसको क्या कहेंगे रेशनल कहेंगे और इरेशनल रेशनल का केस क्या है दो जो बच रहे हैं वो इरेशनल के केस हो जाएंगे कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग हो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग ये अगर हैं तो क्या बोलते हैं इसको इरेशनल नंबर अगर इरेशनल नंबर की डिफिनेशन पूछा जाता है तो आप ये भी बता सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स इज नोन एज इरेशनल नंबर ठीक है एक डिफिनेशन तो आप जानते होंगे नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ए बाई बी वेर एंड बी बोथ आर इंटीरियर एंड बी डज नॉट इक्वल टू जीरो इज नोन एज इरेशनल एंड सेकेंड डिफिनेशन इज और डेसिमल विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग इज़ नोन एज इरेशनल नंबर क्लियर तो हमको ये बताना है कि ये हमने कॉन्सेप्ट बता दिया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का रेशनल इरेशनल का अब हमको बताना है थर्टीन अपॉन एटी क्या है टर्मिनेटिंग है या नहीं बिना एक्चुअल डिवाइड किए तो ये कैसे बताया जाता है टर्मिनेट हो जाएगा नहीं इसको देखते हैं इसका डिनोमिनेटर्स क्या देखेंगे डिनोमिनेटर दिए गए फ्रैक्शन का या रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर चेक करेंगे इसके डिनोमिनेटर को चेक करिए अगर इसका डिनोमिनेटर टू टू दी पावर एम ध्यान से नहीं टू टू दी पावर एम इंटू फाइव टू पावर एन इस फॉर्मेट का हुआ किसी भी रेशनल नंबर का या फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट का हुआ टू के पावर एम इंटू फाइव के पावर एन टाइप का हुआ तब तो हम कहेंगे कि हाँ ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं है तो चेक करते हैं इधर हमने कॉन्सेप्ट बताया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का अब आप पहचानेंगे कैसे कि कोई भी रेशनल नंबर या फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा या नहीं डिवाइड करने के बाद मतलब टर्मिनेट हो जाएगा कि नहीं तो उसको चेक करने का तरीका है डिनोमिनेटर इस टाइप का अगर है तब तो टर्मिनेटिंग है अदरवाइज़ टर्मिनेटिंग नहीं है तो थर्टीन अपॉन एटी में जो डिनोमिनेटर हमारा वो क्या है एटी है ना पहले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ एटी है यहाँ पे ए को फैक्टराइज करिए इस तरीके से यहीं पे कर दें समझ जाएंगे आप एटी को इस तरीके से कर दीजिए टू से करिए कितना आ जाएगा टू से फोर्टी फिर टू से किस को डिवाइड करेंगे ट्वेंटी फिर टू से करेंगे टेन फिर टू से करेंगे फाइव फाइव से करेंगे वन इसको अगर ब्रेक करेंगे आप तो लिखेंगे टू इंटू टू टू इंटू टू इंटू फाइव इट मींस टू टू दावर फाइव इंटू फाइव टू पावर वन मीन्स वी कैन राइट एटी एज टू टू दावर फोर इंटू फाइव टू पावर वन विच इज सिमिलर टू 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 दावर एम इंटू फाइव टू पावर एन है ना ये ये जो आया ये एटी का फैक्टर ये इस फॉर्मेट का हुआ ना टू के पावर एम देखिए टू के पावर कुछ है ना इंटू फाइव पावर यानी एटी एटी क्या है पहले दिए गए फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है अगर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने पे हम इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं जो यहाँ हमने लिखा है तब तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है नहीं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर ऐसा लिखा जा सका ना देखो टू के पावर एम फाइव के पावर एम तो इसलिए कहेंगे कि यस क्या कह देंगे यस थर्टीन अपॉन एटी इज और टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आया इज इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल क्लियर है ना बगल में हमने एक एग्जांपल और लिख रखा है देखिए ये सेवन अपॉन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर को ब्रेक करने में कितना आएगा ट्वेंटी फोर को अगर आप ब्रेक करते हैं तो ये लिखा जा सकता है सेवन अपॉन इसको ब्रेक करना है इसको लिख सकते हैं टू टू दावर टू इन टू थ्री हो सकता है कि नहीं टू टू पावर थ्री हो जाएगा ना थ्री होगा टू टू पावर थ्री मीन्स टू का क्यूब क्यूबा फोर टू जाट एट थ्री या ट्वेंटी फोर होगा यानी इसको फैक्टराइज करने पैसा लिखेंगे जिसका डिनोमिनेटर चेक करिए क्या है डिनोमिनेटर है टू टू दी पावर एम तो दिख रहा है ये लेकिन फाइव नहीं है इसमें इसमें थ्री आ गया तो इसका मतलब क्या लिखेंगे लिखेंगे सेंस ठीक है बिना divide की आपको बताना हो तो डिनोमिनेटर्स को आप देख के बताएंगे चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है नीचे देखिए लिखा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टू डेसिमल्स ये तो एल से करते आ रहे बस इसको डिवाइड कर देना है मतलब कहने का तात्पर्य पिछले क्लासेस से एल में नहीं आप इसको डिवाइड कर दीजिए सेवन को इस तरीके से ट्वेंटी फाइव से डिवाइड कर दीजिए ये भी नाइन्थ में है एक क्वेश्चन है ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही आगे बीच में डिवाइड करिए पहले जीरो जा करेंगे जीरो इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा सेवन डेसिमल लगाएंगे यहाँ जीरो बढ़ाएंगे कितनी पेम डिवाइड होगा बताइए टू जा ट्वेंटी फाइव टू जा फिफ्टी यहाँ माइनस करने पे ट्वेंटी आ जाएगा माइनस कर दिया हमने यहाँ भी माइनस कर दिया था डेसिमल ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है जीरो एक और बढ़ा लेंगे ट्वेंटी फाइव से कितने में डिवाइड होगा एट जा टू हंड्रेड कैंसिल हो गया ना इसका मतलब आप लास्ट में लिख देंगे सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव इज्कल टू जीरो पॉइंट टू एट बताइए कैसा डेसिमल हुआ चेक करके बताइए जरा डेसिमल के बाद बस दो डिजिट तक डिवाइड हुआ फिर रुक गया तो ये कैसा डेसिमल है टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ ना और टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो अभी जस्ट हमने ऊपर बताया था कि अगर किसी दिए गए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को चेक करें किस फॉर्मेट में लिखा जा सके टू टू दी पावर एम याद है ना टू टू दावर एम इन टू फाइव टू दी पावर एन टाइप में एम एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव मतलब प्लस में कुछ भी हो सकती है तो आप अगर ऊपर वाले इस फ्रैक्शन को देखें तो सेवन पॉइंट ट्वेंटी फाइव में सेवन इस ट्वेंटी फाइव को लिख सकते हैं हम लोग फाइव स्क्वायर फाइव स्क्वायर इस तो ट्वेंटी फाइव होगा अब कहेंगे सर आप इसमें टू तो है नहीं तो टू टू दी पावर जीरो लिख तो सकते हैं है ना तो यानी टू टू पावर एम टू फाइव एन टाइप में हो गया इसलिए ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया हम बिना डिवाइड किए भी बता देते कि सेवन पॉइंट ट्वेंटी फाइव टर्मिनेटिंग डेसिमल ही है लेकिन फिर भी हमने ऊपर डिवाइड करके दिखा भी दिया कि ये क्या है टर्मिनेटिंग है अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कन्वर्ट करिए तो आपको ये स्टेप लिखना पड़ेगा और आपसे पूछेगा विदाउट डिवीज़न तो जैसा मैंने ऊपर बताया वैसा आप करेंगे एक क्वेश्चन बगल में और लिखा है उसको भी चेक कर लीजिए फाइव अपॉइंट एट है ना इसको भी इस तरीके से डिवाइड करना है पहले चेक कर लेते हैं फाइव पॉइंट एट को अगर ब्रेक करते हैं तो लिखेंगे फाइव अपॉइंट ये टू का क्यूब लिखा जा सकता है अब किसी को समझ में नहीं आया टू का क्यूब कैसे तो इसको ब्रेक करिए ऐसे टू टू जा टू वन जा, जा होगा ना एट को लिखेंगे टू इंटू टू इंटू टू जो कि हो जाएगा टू का क्यूब तो वही हमने यहाँ लिख दिया अब आपका आंसर से यहाँ नीचे फाइव तो दिख नहीं रहा है तो फाइव के पावर जीरो लगा सकते हैं ना तो हो गया नहीं उसी फॉर्मेट का फिर यानी इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बन गया टू टू दी पावर एम इंटू फाइव टू पावर एन इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग आएगा देखिएगा डिवाइड करने के बाद ये भी एक निश्चित पॉइंट के बाद रुक जाएगा चलिए एट जीरो जा जीरो फाइव डेसिमल ज़ीरो कितना आएगा एट सिक्स जा फोर्टी एट टू डेसिमल लगा है जीरो बढ़ा लीजिए एट टू जा सिक्सटीन फोर आएगा डेसिमल लगा है यहाँ पे जीरो बढ़ा लीजिए एट फाइव जा फोर्टी हो गया ना ये भी देखिए कैसा आएगा टर्मिनेटिंग यानी इसके बराबर लिख देंगे जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव और ये भी आ गया टर्मिनेटिंग इसमें आपसे टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नहीं पूछ रहा था इसमें बस आपको कन्वर्ट करके छोड़ देना यानी इसमें यही आपको करना है जब लिखेगा कन्वर्ट तो आपको यही स्टेप यहाँ करना है इधर ये करना है ये स्टेप ये मैं साथ में बताता जा रहा हूं कि आप बिना डिवाइड किए भी देख के बता सकते हैं इसका डिनोमिनेटर उसी फॉर्मेट का है जो ऊपर मैंने बताया इसलिए ये टर्मिनेटिंग है ये हमें पता चल जाए तो ये दो क्वेश्चन हो गए उम्मीद है आप समझ गए होंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इ अब हमको नीचे जो एग्जाम्पल इतना डर लिया है चार पाँच हमने इसमें बताना है कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है तो मैं आपको पीछे की डिफिनीसन याद दिला दूँ रेशनल कौन कौन सा था रेशनल में हमने कौन कौन सा बताया था या तो वो टर्मिनेटिंग हो जाए अगर डेसिमल फॉर्म में कहते हैं तो वो टर्मिनेटिंग हो जाए या रिपीटिंग हो जाए याद है ना रेशनल होने के लिए ये दो केस था या तो टर्मिनेट हो जाए या तो रिपीट हो जाए तो आप ऐसे ही देख के बता दीजिए ये 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 तीनों की बात अगर करें चारों पांचों की तो ये डेसिमल दिख रहा है आपको डेसिमल के बाद ये एक दो तीन चार नंबर बाद रुक गया आगे नहीं बढ़ रहा है यानी टर्मिनेट हो गया तो ये पहले ही पता चल गया क्या है रेशनल है इसमें आते हैं इधर चेक करिए नॉन टर्मिनेटिंग इ का भी लिख देते हैं इ को भी देख लीजिए इ में क्या पढ़ा था आपने या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो पीछे पढ़ा था ना आपने नॉन टर्मिनेटिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो तो उसको क्या कहेंगे हम इरेशनल नंबर कहेंगे ठीक है चेक करिए इसको अभी हम इन दोनों को छोड़ दे रहे हैं इन दोनों को छोड़िए अभी पहले इसको दिखा दिए कि टर्मिनेट हो गया तो रेशनल ये देखिए अब तो आपको लग रहा है रिपीट हो रहा है रिपीट नहीं हो रहा है चेक करिए टेन है फ्री हंड्रेड थाउजेंड फिर टेन थाउजेंड यानी वन के बाद एक जीरो दो जीरो तीन जीरो चार जीरो ये रिपीट नहीं हो रहा है ये डॉट 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 करके बढ़ता जा रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है ख़त्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा तो ये क्या है इ नंबर है थर्ड वन सॉरी फोर्थ वन फिफ्थ में देखिए सेवन पॉइंट फोर एट सेवन फोर एट सेवन फोर एट सेवन यहाँ देखिए रिपीट हो रहा है आप ध्यान दीजिएगा फोर एट सेवन फोर एट सेवन फोर एट सेवन तीन तीन नंबर का ट्रिपलेट बन के रिपीट हो रहा है और अगर रिपीट हो रहा है तो वो रेशनल नंबर है समझ में आया इसको लैंग्वेज में आप लिखेंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखेंगे सेंस जैसे इसको अगर लिखना हो तो लिखेंगे सेंस इट हैज़ अ अ ऑफ नंबर 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 दिस इज़ इज द गिवन इसीलिए ये मैंने पीछे बताया था आपको मे नीम मेरा यही था कि आप समझ पाएं तो तीन ऐसे ही हो गए अब बचे दो इस टाइप के अगर दो रहते हैं तो ये मत एकदम कॉमन सेंस वाला बता दीजिएगा सर रूट लगाए तो इरेशनल होगा पहले आप उसको फैक्ट्राइज करिए पहले वाले को देखिए अंडरवुड में टू टू फाइव लिखा है ना सबसे पहले टू टू फाइव को प्राइम फैक्ट्राइज करिए किससे कटेगा थ्री से थ्री से सेवन जा बार में थ्री फाइव जा फिर थ्री से कटेगा थ्री टू जा थ्री फाइव जा फिर फाइव से फाइव इस तरीके से होगा ना इसी को हम यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे फैक्ट्राइज करने के बाद क्या करेंगे टू ट्वेंटी फाइव को इस तरीके से लिखेंगे जो इस क्लास एट में स्क्वायर रूट निकालते थे आप लोग ऐसे थ्री है ये थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव इन दोनों पेयर में से एक थ्री बाहर इन दोनों फाइव में से एक फाइव बाहर कितना आ जाएगा फिफ्टीन फिफ्टीन को हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं फिफ्टीन अपॉन वन इसका मतलब ये ए अपन बी टाइप में हो गया और ना तो बी जीरो है बी जीरो नहीं है ना, और ए दोनों इंटीजर भी हैं तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर हो गया कैसा नंबर हो गया ये रेशनल नंबर हो गया तो केवल रूट लगे रहने से आप नहीं कह देंगे कि ई रेशनल है उसको सॉल्व करिए अगर वो रूट के बाहर आ जाता है निकल के तो वो क्या हो जाएगा रेशनल हो गया इसके बाद दूसरा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या था इसी का सेकंड वन सेकंड वन में फोर्टी फाइव लिखा था फोर्टी फाइव को फैक्ट्राइज करते हैं कितना आएगा इस तरीके से करिए थ्री से थ्री वन जा थ्री फाइव जा फिर थ्री से थ्री फाइव जा फाइव वन जा, जा फोर्टी फाइव को आप लिखेंगे थ्री इन टू थ्री इंटू फाइव इन दोनों पेयर में से थ्री बाहर आ जाएगा लेकिन ये रूट बाहर नहीं आ पाएगा ये वैसा ही रह जाएगा तो इसलिए ये हो गया थ्री रूट फाइव यानी यहाँ रूट दिख गया अब इसको कहेंगे ये क्या है ये नंबर है जब रूट नहीं निकल पाए पॉसिबल नहीं हो तब वो इ नंबर है समझ में आया चलिए उम्मीद है आज की वीडियो समझ में आई होगी फिर से एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में